मेरे 200 सब्सक्राइब पूरे होने पर मैंने एक एनिमेशन क्रिएट किया था एंड मुझे खुशी है कि वो आप सबको पसंद भी आया। ऑनेस्टली मैंने इसके लिए दो आर्टवर्क क्रिएट किए थे, ये वाले, एंड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू ये वाला रेडी नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। सो आज हम बात करेंगे मैंने ये कैसे बनाया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैं अपने लोअर पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैंने इसको कैसे बनाया, इसके लिए सिंपली मैंने एक सर्कल ऐड कर लिया एंड इसको स्केल अप करके एडिट मोड में जाके इसको अपन एक्सट्रूड कर लेंगे। देन इसके अपर फेस को थोड़ा स्केल डाउन करूंगा, फेस को फिल करने के बाद मैं आई क्लिक करके इंसर्ट फेस कर लेता हूँ, देन इसे एक्सट्रूड। इसके बाद मैं इसमें कुछ लूप ऐड कर रहा हूँ, लूप ऐड करने के बाद मैं इन लूप को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं बेवल ऐड कर रहा हूँ, ऑल्ट ई के साथ मैं इनको भी एक्सट्रूड कर ले रहा हूँ एंड थोड़ा एडजस्ट करने के बाद अपना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैं सिंपली जो आउटर फेस है ये क्रिएट करेंगे। इसके लिए सिंपली मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ एंड इसको स्केल अप कर लेते हैं। देन एडिट मोड में जाकर मैं इसका अपर फेस डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद देन ऑल्ट क्लिक करके मैं इसके जो आउटर फेस है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अपने को एक एड ऑन की जरूरत पड़ेगी जो ब्लेंडर के अंदर बिल्ड इन होता है, डिस्को, इसको अपन इनेबल कर लेंगे। देन सिलेंडर को सिलेक्ट रखे शिफ्ट के साथ अपन इसको ऐड कर लेंगे। देन सिंपली अपन ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना कुछ ऐसा शेप क्रिएट हो गया है। इसकी कुछ सेटिंग्स को मैं थोड़ा एडजस्ट करके कुछ ऐसा शेप क्रिएट कर लूँगा। इसके बाद मैं सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया है। देन इसके बाद जो पिलर मैंने अपने क्यूब से बना लिया था एंड जो ग्रास का पार्ट है उसके लिए सिंपली मैंने एक प्लेन पर हेयर पार्टिकल यूज़ करके ग्रास को स्केटर कर लिया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अपना टेक्सचर वाला है। तो मुझे कुछ ऐसा टेक्सचर चाहिए था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए सिंपली मैंने कुछ ये नोट्स यूज़ किए थे। डोंट वरी, इसकी ब्लेंड फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना एंड यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रिक टेक्सचर ऐड किया है। देन कंट्रोल टी क्लिक करके अपन टेक्सचर कोऑर्डिनेट ऑन कर लेंगे। इसके बाद मैं इनके बीच में नॉइज टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ। अब इन सब की वैल्यूज को आप चेंज करके देख सकते हो एंड कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब सिंपली मैं ब्रिक टेक्सचर को बम्प नोड के साथ ऐड करके इसको प्रिंसिपल PSD के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का टेक्सचर क्रिएट हो गया है। देन अपने पिलर्स पर कुछ इंटरेस्टिंग रफनेस क्रिएट करने के लिए मैंने एक टेक्सचर यूज किया था, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपको फाइल के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद मैं इसको सिंपली अपने रफनेस से कनेक्ट कर देता हूँ एंड आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो बिना टेक्सचर के और टेक्सचर के। इसके बाद मैं सेम मटेरियल इस लोअर पार्ट पे भी यूज़ कर रहा हूँ। अब अपने सीन के अदर पार्ट्स को भी टेक्सचर देने के लिए मैंने ये वाला सेट टेक्सचर सेटअप यूज़ किया था, अब यहाँ पे देख सकते हैं। एंड टेक्सचर एंड रफनेस टेक्सचर भी मैंने वो सेम वाला यूज़ किया है यहाँ पे भी। अपने सीन पे कुछ पैटर्न क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे वोनो टेक्सचर का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली वोनो टेक्सचर को ऐड करके इसको मैं 4D कर रहा हूँ एंड F2 देन अपने चेबीचेप, देन मैं रैंडमनेस को अपना 0 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। अब जो अपना सबसे ट्रिकी पार्ट है वो अपना है टेक्स्ट ऐड करना विद वायरफ्रेम मॉडिफायर के साथ। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल थैंक यू, देन इसका मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद सिंपली मैं इसको कन्वर्ट टू मैश कर रहा हूँ एंड एडिट मोड में आकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने जो टेक्स्ट की टाइपोलॉजी है वो ठीक नहीं है। देन सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड पी क्लिक करके इसको बाय लूज पार्ट से सेपरेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने सभी वर्ड्स अलग अलग हो गए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर इसमें मैं वायरफ्रेम मॉडिफायर यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना वायरफ्रेम मॉडिफायर सही से वर्क नहीं करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड एडिट मोड में जाके सभी वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कीबोर्ड पे एक्स क्लिक करके मैं इसको लिमिटेड डिसॉल्व क्लिक कर देता हूँ। तो अब अगर अपन इसमें वायरफ्रेम मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सही से वर्क कर रहा है। तो मैं सेम प्रोसेस मैं अपने सभी वर्ड्स पे यूज़ कर लेता हूँ। अब अगर आपके किसी वर्ड के साथ इस प्रकार का इश्यू हो रहा है तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए अपन वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, देन इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। देन कर्व प्रॉपर्टी में आकर आप यहाँ पे इसके ज्योमेट्री को चेंज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना इश्यू सॉल्व हो गया है। देन सिंपली इसको वापस से कन्वर्ट टू मैश कर लेंगे। तो फटाफट मैं अपने सभी वर्ड्स पर वायरफ्रेम मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। इन सब के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना सीन कुछ इस प्रकार का रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो लाइटिंग सेटअप का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पे दो लाइट यूज़ की है। एक अपनी एरिया लाइट है जिसका शेप मैंने डिस्क कर रखा है एंड इसकी स्ट्रेंथ अराउंड 500 एंड जो नेक्स्ट लाइट है वो अपनी पॉइंट लाइट है। अब जो अपना एनिमेशन का पार्ट है उसके लिए सिंपली मैं एक अपना बेजे सर्कल कर्व ऐड कर रहा हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं
देन कैमरा को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में आकर मैं यहाँ पे सिंपली इसको फॉलो पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसके मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। अगर अपन ऑफसेट वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना कैमरा कुछ इस प्रकार से एनिमेट करेगा। एंड लास्ट थिंग, किसी भी लूप एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपके कैमरा की जो फर्स्ट फ्रेम की जो पोजीशन है एंड जो लास्ट फ्रेम की पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए। एंड तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिंपली अपने कैमरे की पोजीशन को फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम पर मैं सेम रख रहा हूँ। देन अपने की फ्रेम को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड टी क्लिक करके इसको मैं लीनियर कर रहा हूँ ताकि देन अपने जो कैमरा की जो स्पीड रहेगी वो पूरे एनिमेशन में सेम रहेगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना एनिमेशन कुछ इस प्रकार का क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।